जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है ये? मैडम आप आ रही हैं, पता नहीं था, आपके आने से पहले ही पब्लिश कर दिया। इसमें इतनी जल्दी क्या थी, मुझसे पूछना था ना। ठीक है मैडम, देखते हैं हम लोग। बिजी हो सर, बाद में आओ। काम थोड़ा अर्जेंट ही वाला है मिस्टर स्वामीनाथ, एक हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। ओके, ये क्या है सर? बात को समझो, ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इसके पीछे अपना वक्त जाया मत करो। इस आर्टिकल के लिए मैं खुद उस गांव में गई थी। I did all this research, came up with so much work. क्रिसमस नाइट, सभी लोग पिए हुए थे, काफी ज्यादा लोग थे, ऐसी छोटी छोटी बातें वहाँ होती रहती है, इतना सीरियस मत। सर मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, वहाँ के कुछ लोगों से बात करने के बाद ही समझ पाई कि वहाँ कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम देयर, द टाउन सीम्स वेरी नॉर्मल, बट अगले ही दिन इतना बड़ा प्रॉब्लम। सर पुलिस ने केस रफा दफा कर दिया। पुलिस, उनका क्या है सर, इतने सारे केसेस में एक और? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ये एक छोटा सा केस है। सर आप जिसे छोटा सा केस बोल रहे हो उससे बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं। सुनने में तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। उसी वजह से सर इस इंसिडेंट से जुड़े एक एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग चैप्टर लिखने वाली हूँ। ऐसे लिखने से इस घटना से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, कुछ पर्सनल है? ऐसा कुछ नहीं है सर,
अगर मुझे ये आर्टिकल पसंद नहीं आया तुम सीधे उस एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने जाओगी, ओके? मेगा, कहानी का नाम क्या है? वो मेरे बेटे जैसा है, मैं सब बताता हूँ। हाँ, कोई चीज भूले बिना ये दास बताएगा। हाँ। क्या बंदा है, सिनेमा स्टार जैसा है। वो बेवकूफ तू, वो एकदम बेकार इंसान है। सच क्या है मैं बताता हूँ, वो झूठा है। दीदी मैं बताता हूँ, कहानी यहां से शुरू होगी, मेरी माँ के गांव से। मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। सर आप रुक तो जाइए। मैं नहीं सुनने वाला, जाओ जाओ यहाँ से, चलो जाओ। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या रे, अगर तुझे तकलीफ है तू जा, उसे कुछ काम है। अरे तो तू जा ना, बहुत तकलीफ हो रही है, इंटरव्यू है उसका। आ, जा जा। मैडम उसके बारे में मैं बताता हूँ, आप चलो। ठीक है बोलो। मैडम मैं आपको सब बताता हूँ उस हेलो वो क्या बोल रहा है, उसकी बातों का भरोसा मत करना। अबे ए, तू मेरी बजा रहा है? वहाँ क्या हुआ था तुझे कैसे पता है? बोलना गधे के बच्चे। अबे तुझसे ही पूछ रहा हूँ मैं। क्या गया? अच्छा मैं ही बताता हूँ, बैठो भाई आ जाओ। ठीक है मैं बताता हूँ। सर सर आपने मुझसे बात की है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस दिन समुद्र की देवी के नाम पर जाल फेंकने के बाद उसमें फंसा। 10 लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। आज तो मजे हैं सोचकर निकाला तो देखा एक लकड़ी का टुकड़ा। बच्चे लोग बोले वापस फेंक दो समुद्र में, लेकिन क्या है मेरा मन नहीं माना। मुझे वो पता नहीं पर अच्छा लगा। समुद्र से जो कुछ भी मिलता है उसका आधा हिस्सा एसआई सर को देना पड़ता है, चाहे वो एक चप्पल ही क्यों ना हो। पर ये तो लकड़ी का टुकड़ा था, सादा सा लकड़ी का टुकड़ा। और हाँ, किनारे की ओर वापस चलते समय बोट भी खराब हो गया, बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचे। बच्चों ने लकड़ी को मेरे घर में छुपा दिया। रात में कौवे का 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 ऐसा चीख रहे थे। मैंने उठकर उन्हें भगाने की कोशिश भी की, पत्थर भी मारा, लेकिन वो गए ही नहीं। ऊपर से बैठकर वो कौवे समुद्र से मिली उस लकड़ी के टुकड़े को देखकर जोरों से चीख रहे थे। तभी मेरे ध्यान में एक बात आई, ये कौवे समुद्र से ही मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मुझे तुरंत गुस्सा आ गया।
और तब मैंने उस लकड़ी को उठाकर फेंक दिया। हे भगवान, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। खजाना है ना, इधर ही मिला है। उसे खरीदने के लिए कोई भी कीमत लगाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना मिला, मैंने उसे उतनी गहराई से पकड़ा था ना। स्टॉप। सो आप इस खजाने को एक इंसान जैसे क्यों बता रहे हो? तूफान को क्यों मैडम स्त्रियों का नाम दिया जाता है? सुनामी, कैटरीना, नीला, निशा, लड़की तूफान एक जैसी होती है। दोनों पहले बहुत शांत रहती हैं, अगर उनको मौका मिल जाए तो पूरी तरीके से धो डालेंगी और हंसेंगी ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सो वो गांव वाले बोल रहे हैं कि ये कोई शैतानी जादू है, न जाने किसका श्राप लगा हुआ है। नहीं तो क्या, ना जाने काम धंधा करने वाला कहां से आया वो बंदा, अचानक से यहाँ क्यों लौट आया, बोलो। तो आप दोनों हमेशा मिलते रहते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं, वो क्या है, बड़ा माल उठाने के लिए कभी कभी कोलकाता जाता हूँ। ऐसे ही एक बार इससे वहाँ मिला, ये चेहरा तो कहीं देखा है ऐसा मुझे लगा। तब दास के दिमाग की बत्ती जली, दास से नहीं रहा गया तो बोला तो ये तो रघु है। दास ने उसे देखते ही पहचान लिया था। ये दास कौन है? पीपी दास। अरे मैं खुद। ओ, ओके। पीपी, अरे छोड़ो, मैं उसे देखते ही पहचान लिया, रघु है वो। क्या है कि वो रघु है मैं समझ गया, लेकिन वो मुझे पहचानने में थोड़ी देर कर दी। मुझे देखते ही पुरानी बातें सारी टपा टप याद आने लगी। उस दिन वो उसके साथ रहने के लिए कहा। हम बहुत देर तक बात करते रहे। हाँ, तेरी माँ वहीं पर है अकेली। इसाक सर के मार्केट में मच्छी बेचती है और छोटे बच्चों को देखती है, बड़ी खुशी होती है। तू जहाँ से भाग गया था ना, वहाँ माँ डेली जाके बैठती है। पति भी गया, बेटा भी गया, बुढ़ापे में उनकी ये हालत देखकर तरस आता है। तू गांव क्यों नहीं आता है? हाँ, गांव में मैं आके क्या करूँगा? कोई दुकान खोल ले, ये फॉरेन आइटम्स वगैरह के। उतने पैसे नहीं है और तुझे पता है कि ये काम रिस्क वाला भी है, इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। उसको बताओगे तो पता चलेगा, किसी को मत बताना। तुम चुपचाप मेरे बोर्ड पे बैठ के चलो। मेरा भी आने का बहुत मन है, लेकिन इस नर्क से बच पाऊंगा तब ना। ज्यादा सोच मत, अब आ जा। इतना बोलने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मार देंगे। कुछ दिन जाने दे, मैं खुद देखता हूँ। फिर ठीक है, लॉज में काम वाले इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। एक मिनट,
ये रखो, ये नहीं चाहिए। रखो, तुझे वक्त मिलते ही माँ से जाके मिलना, उन्हें कोई चीज की जरूरत हो तो ला देना, और चाहिए तो बताना। ठीक है, मैं चलता हूँ। दास, अपने दोस्त कैसे हैं? अपने गांव में फोन करो तो वो लोग उठाने भी नहीं देते हैं। कुछ लोग मच्छी पकड़ने और कुछ बेचने जाते हैं। सुगु और बेला कैटरिंग का काम करने जाते हैं। हाँ, अनूप दुबई गया और एंथनी वहां आइसक्रीम की फैक्ट्री। रिची, रिची, छोटी उम्र में अपने दोस्त को चाकू से मारने वाला वो कैसा हो सकता है? तुम्हें तो पता ही है, वो पूरा राउडी हो चुका है। तेरे भागने के बाद उसको पुलिस पकड़ के जुविनिले होम में डाला, 8 साल वहीं था। उसके बाद जब बाहर आया तो वो इसाक साहब के साथ लग गया। इसाक साहब के बारे में तू जानता ही है, उनका वो सारा कोटेशन का काम ना वही करता है, लीगल इलीगल सब कुछ। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बाहर आने के बाद उसने तुम्हारे बारे में सबसे पहले पूछा। ठीक है, तू जा, माँ के साथ जाने की तैयारी करके मैं तुझे कॉल करता हूँ, जा तू अब। दास, ये अपने बीच ही रखना। ठीक है। रघु वापस गांव जाना चाहता था, लेकिन रिची पुरानी बातें नहीं भूला होगा, वो जानता था, क्योंकि उनके बीच की कहानी उस दिन ऐसी ही कुछ थी। अरे यार ये लोग तो यही करते रहते हैं। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? छोड़ मुझे। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या किया इसने? किसने क्या किया? नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आ रहा हूँ। माँ के गांव ट्रांसफर हुए पापा के साथ मैं वहाँ जिस दिन पहुँची थी। क्या केस है? चर्च के फादर का लड़का साथ पढ़ने वाले लड़के के पेट में चाकू मार दिया, वो तो मर गया, ये भागने की कोशिश कर रहा था तो हमने पकड़ लिया। इसका एक साथी भी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। एनी विटनेस? है सर, इस घटना को बहुत सारे बच्चों ने देखा है सर। हम छोड़ नहीं सकते। केस फाइल किया क्या? यस सर, कल कोर्ट में पेश करेंगे, वहाँ पहुँचकर बाकी प्रोसीजर्स पूरा करेंगे। जुवेनाइल कोर्ट में? हाँ सर। उस दिन मैंने रिची को पहली बार देखा था। ए, यहाँ क्यों बैठा है? चल उस तरफ चलते हैं। तुझे कुछ समझ आ रहा है? मैं कुछ बोल रहा हूँ तुझे, सुन मेरी बात, वहाँ चल। इधर आना। अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुझे? मेरी बात सुन, जवाब तो दे मेरी बात का। अरे ये झगड़ा कर रहे हो, देखो। अरे देखो तेरी इतनी हिम्मत। तुम रिची को कैसे जानते हो? वो जुवेनाइल होम से, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। रिलीज होने के दूसरे दिन ही इंस्पेक्टर ने ढूंढकर अच्छे से धोया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी,
यही सब देख के सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। शेर को खुला छोड़ने जैसा है। उसके बाद उसको कोई भी नहीं रोक पाया। क्या बंदा है, एकदम फिल्म स्टार के जैसा। उसने कहा था ना, अरे मूल के मूल के साथ में ब्याज ही लेकर आना, और तू क्या लेकर आया? अरे यार इसे, अरे बोर्ड क्या भाड़ा तो देता नहीं है, मुझे भी देखा, कम से कम मच्छी में तो आधा हिस्सा देता। तू भी उस चीटर के साथ घूम घूम के, तू चीटर हो गया है क्या? ज्यादा होशियार बनता है, मुझे पता है तेरी औकात क्या है। देखा, जीत गया ना। ए, बोलने की जरूरत नहीं है, खेलना हो तो खेलने, तो निकल यहाँ से। ये सब मुझे मत सिखा, मेरे पैसे लेकर गांव में ऐश कर रहा है। अरे क्या हुआ, जाल में नहीं फंसा क्या? ए, जाल में क्या इतनी जल्दी फंसेगा? मैंने अपना बोट उसे भाड़े पे दिया है, सबको लगता है कि मैं भाड़े के पैसे से ऐश कर रहा हूँ। सब बकवास है बे, पूरा 420 है, एक नंबर का नाटकबाज। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, मैं आ गया हूँ ना, एक एक पैसा वसूल करूंगा। तेरा नाम क्या है? जो चाहता है वही करता है, किसी से नहीं डरता है, आइसेक साहब को छोड़कर। मेरे बेटे जैसा नहीं है वो, मेरा बेटा ही है। रिची, रिची नाम है मेरा। प्रभु सबकी रक्षा कीजिए, जिसने जो भी किया है उनके सारे गुनाहों को माफ कीजिए। हम सब आपके ही बच्चे हैं, हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखिए। सुपरिटेंडेंट देवी की बेटी हो ना? जी हाँ। फादर मैं एक बात, आफ्टर द प्रेयर। ओके। प्रभु हम सब आपके ही बच्चे हैं, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सो यू आर राइटिंग द स्टोरी नाउ? यस फादर। अब उसकी कोई रीसेंट फोटोज है क्या? यहाँ पर कोई पर्सनल चीजों की जगह नहीं है, क्योंकि ये एक चर्च है। लेकिन वहाँ जुविनिले होम में एक फोटो है, पर वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। कौन से फोटोज हैं वो? जो जुविनिले होम में डालते समय फोटो लेते हैं शायद वो। फादर आपको उस फोटो के बारे में किसने बताया? ऋषि ने बताया। वो कैसे भी वापस मिल जाए, बस उसकी यही इच्छा थी। ऐसा लगता है उसमें उसकी पसंद की कुछ तो चीज है। एनीवे, फादर आप उससे मिलने वहां कितनी बार गए हो? जितनी बार भी मिलने के उसमें कोई बदलाव नहीं था, जिद्दी। सो आप वहां गए ही नहीं? मैं कई बार वहां जा चुका हूं कि वो बदल जाएगा, पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या तुम उसे जानती हो? एक्चुअली नो, दो तीन बार शायद देखा है। That's about it. जब मैं माँ के घर आती थी तब, यहाँ समर वेकेशंस में।
तो कैन वी स्टार्ट द इंटरव्यू? फादर, इसे इंटरव्यू मत समझिए। उस दिन क्या हुआ था मैं जानना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू योर साइड ऑफ द स्टोरी। चर्च में कई फॉरेनर टूरिस्ट आए थे, उस दिन वो भी वहां आया था। इसलिए मदर की ताकत को यहाँ के लोग त्योहार जैसा मनाते हैं धूमधाम से। उस समुंदर वाले लड़के को अभी भी लोग ढूंढने जाते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह होती है, फॉरगिव, माफ करना। और यही सेंट पीटर्स की कहानी हमें सिखाती है। वो पीछे कौन है? जानती हो उसे? हेलो, ही इज माय सन ओनली। या ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। क्या है, नए बैच की ट्रेनिंग चालू है? बिल्कुल गुंडे जैसा हुलिया है। 12th पास हो गए हो, डिग्री नहीं कंप्लीट कर सकते। अरे सर, आपका ज्ञान थोड़ा बंद करो ना। इस दुनिया में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लाइक दैट। मैं भी एक राउडी हूँ। उसे यहाँ लाने की जरूरत थी? हाँ, ओह सॉरी बॉस, नेक्स्ट टाइम गाड़ी में रख के आता हूँ। यहाँ पर खड़े होकर ऐसी बातें करते हो तुम? हम चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। ये कैसे, इतनी जल्दी चेहरे पे हंसी कहाँ से लाते हो? ये हंसी हमें दिशा दिखाती है। हथियार मुझे दिशा देगी। 3 दिन पहले तुमने लॉरेंस के साथ झगड़ा करके उसकी नाक तोड़ दी। कौन है ये लॉरेंस? 3 दिन पहले बहुत लोगों से झगड़ा किया, बहुत लोगों के नाक तोड़े। हाई प्रोफाइल राउडी डैडी। रिची, मिस्टर फ्रांसिस का बेटा लॉरेंस फ्रांसिस, उसने आके मुझसे शिकायत की। मैं यहाँ चर्च में प्रार्थना करता हूँ और मेरा एक सन है कि वो सन आपका खुद का लड़का। वो सब छोड़ो, वो फ्रांसिस को पूछो कि मैंने उसके बेटे की नाक क्यों तोड़ी। मैं तो उसका मुंह फोड़ने वाला था, लेकिन वो भाग गया हरामखोर। माइंड योर लैंग्वेज, तुम अपने पिता से बात कर रहे हो। मेरे पिता से? आप तो इस गांव के फादर हो फादर। रिची, व्हाई आर यू लाइक दिस? मैं कहां पला बड़ा? जहां से मैं आया हूं वहां से आने के बाद एक फादर तो नहीं बन सकता। रिची देखो, ठीक है मैं चलता हूं। रिची, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज फादर साहब, वेल बाय टू जीसस आल्सो। वो पिता से मिलने के बाद फिर कहां गया? वेल बाय टू जीसस आल्सो। सुन, वो लॉरेंस कहां मिलेगा? क्या हुआ भाई? कुछ हिसाब बाकी है। कैसा हिसाब? नाक के नीचे का हिसाब। नाक का हिसाब? तुझमें कुछ उदार बाकी है, उससे तूने दारू किया और मैंने वापस मांगे तो तू फादर के पास जाएगा क्या? जी तो मैं अब सब सही हुआ। मेरे बेटे का नाक तोड़ा करके पूरे गांव में फैला रहा है। अगर ठीक से नाक ना तोड़ूं तो मेरा नाम खराब होगा। रिची अगर नाक तोड़ेगा तो कैसा होगा दिखाना पड़ेगा ना। No hard feelings, huh? Only dealings. Hey, he's gone. उड़ गया। अरे पकड़ मामा। क्या कर रहा है मुझे? अरे तू क्या कर रहा है? अरे इधर क्या कर रहा है? चल चल चल। अरे जल्दी रखना। अरे 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 यार जल्दी कर, जल्दी रख दे। इधर इधर इधर। चल चल चल, फेंक फेंक फेंक, इस तरफ फेंक। अबे आउट कर देगा। जल्दी फेंकना, क्या कर रहा है? फेंक। अरे हो गया। चल 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 चल, जल्दी कर जल्दी कर।
क्या कर रहा है? बैठना आराम से। अरे बाहर जाइए, क्या कर रहा है? जल्दी कर, जल्दी कर। अरे यार, मैंने कहा ना पीने के लिए। अरे हम जीत गए। डेमोक्रेसी, उस मुकुंद की दुकान पे जा, वहाँ पर एक झोला रखा होगा, उसे जल्दी लेके आ जा। ठीक है। ए, क्या रे, बच्चे को दारू लाने के लिए भेज रहा है? लेके आने दे, तू पिएगा नहीं क्या? ज्यादा हंस मत। हाँ, तेरा नाम क्या है? डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ए डेमोक्रेसी। हाँ बे, आ रहा हूँ, रुकना। सेलवा भाई पहले मदुरई में रहता था, वहाँ सेलवा भाई का खुद का गैराज था। दोस्तों के साथ बहुत मजे करके जी रहा था, दोस्तों के लिए कुछ भी करता था। सेलवा भाई का दोस्त था इलोंगो, इलोंगो का प्यार भी वैसा ही था। सुपर। मुझे आएंगी प्यार करने वाली लड़की के घर वाले, दोस्तों, खुशियां मुझे और मैं अपने परिवार के साथ में। ऐसी दुश्मनी भी बढ़ गई थी। चल यहां से निकल। इलोंगो भाई की बीवी निकल जाता है कि नहीं, तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। पार्टी लगा रहा हो क्या भाई? पार्टी लगा रहा हूँ क्या यहाँ मैं? अभी आया भाई, कल की तैयारी हो गई? पोस्टर लगवा रहा हूँ। नमस्कार। सेल्वा, इतनी सारी तैयारी करने की जरूरत है क्या? अभी सारा मामला ठंडा है। कुछ भी नहीं होगा, आज की रात की बात है, कल फंक्शन होने से पहले निकाल के रखूंगा। चल चल जल्दी निकल, जल्दी निकल। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अरे चाय पीने जा रहा। अच्छा, इस टाइम पर? अरे 5 मिनट में आता हूँ। सुनिए, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं कहीं आसपास जाइए और जल्दी आ जाइए। बात कर लिए ना। तू भी झूठ बोलना सीख गया, सब मेरी संगत का असर हो रहा तुझ पे। अरे प्लान कैंसिल, चल घर चलते हैं। क्या हुआ? अरे दुकान बंद है। अरे कम से कम एक तो ले आ। अरे जहाँ देखूँ वहाँ पुलिस है, और तू बोल रहा है ले कहाँ से? एक काम करते हैं, ब्लैक में ले लेते हैं और वहीं पर चलकर मजे से पीते हैं। अरे वहाँ जाके पीना है क्या? वहाँ किसी ने देख लिया तो वो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। जब वहाँ से लड़की उठाकर लेकर आए तब तुम्हें वहाँ कोई नहीं देखा? एक बोतल दारू खरीदने में कौन देखेगा? बीवी ने कहा था कि ज्यादा दूर मत जाना, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, आखिर जा ही पहुंचे दुश्मनों के बीच। लगता है गाड़ी पंक्चर हो गई। अरे सुबह तो अच्छी, इसीलिए मैं तुझे मना कर रहा था। छोड़ूंगा नहीं मैं। निकलो, निकलो, कुछ नहीं होगा, निकलो। एग्लो, मैंने तुझे कितनी बार मना किया था, मैंने इन्हें जाने से मना किया था। मैंने कहा था कि जल्दी वापस आना। उस घटना के बाद भाई बहुत टूट गए थे, सब लोगों ने भाई को दोषी ठहराया, फिर भाई वहाँ से चले गए। क्या चाहिए भाई? सुबह सुबह पी रहा है, वहाँ तुझे क्या काम है? छोटे बच्चों को बिगाड़ रहा है, चल चल जा। ठीक है। सेल्वा, ओ पीटरे, सुन,
दोपहर का खाना खाने के लिए मेरे घर आ जाना। आता हूँ, पूजा के बाद आता हूँ। हाँ, हाँ। पूजा में आएगा तो तुझे क्या? कुछ नहीं, बस आने वाले गांव के हैं। आता हूँ आता हूँ। हाँ हाँ, लोग कुछ भी कहें, तुझे क्या, तुम आ जाना, आज ही मैं मच्छी बनवाऊंगा, आना हो तो आ जाना। तो फिर अन्ना जरूर आएगा। अरे चुप हो जा बे। थोड़ा सामान खरीदना है मुझे, तो दुकान तक छोड़ दो। नहीं पीटर, मच्छी मार्केट में छोटा सा काम है। सुन, काम के बाद साहब को सीधे घर लेके आना। सुनो, आज दो दो पैक लगाएंगे। अन्ना, तुम हर दिन इस मच्छी मार्केट में जाकर क्या करते हो? आपने दीदी को बोला नहीं है कि आप उसे पसंद करते हो? आप ऐसे ही घूमते रहो, आखिर दीदी हाथ से निकल जाएगी। ए, तू चुप कर, चल। पाउडर डालने से कुछ नहीं होगा, दीदी को मुंह खोल के बोल दो। ए निकल, कल भी नहीं बोलोगे, अभी चलो। हाँ डालो, मैंने सब कुछ देख लिया है, पैसे का कोई सीन नहीं है, तू खा। अरे लेकिन तू काम पे क्यों नहीं जाता है, पैसा कहाँ से आएगा? वो मैंने ना, अरे मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। अरे अरे अभी आता हूँ। ए पीटर, ए पीटर बाहर निकल, कहाँ छुपा है तू? मेरे लिए हुए पैसे देने के बजाय तू दावत दे रहा है, निकल बाहर। छोड़ेंगे नहीं। ए पीटर बाहर निकल। भाई क्या हुआ भाई? तेरे से पूछा क्या, तू जाके अपना काम कर सेल्वा। भाई पीटर यहाँ नहीं है, बात समझो भाई प्लीज। ए तू बाहर आता है कि हम तेरी बहन से ही ले ले? भाई पैसे उधार लिया है, पैसे मैं दे देता हूँ, प्लीज भाई। सुन सेल्वा, तू बाहर से आया है, मेरे पीछे कितने लोग हैं तुझे पता नहीं है? घर में खुशी चल रही है, तेरे पैसे लौटा दूंगा। ए, एक और बात, पीटर अंदर है दरवाजे के पीछे। अरे यार। हाँ आओ आओ, कब आए आप लोग? अभी जा रहा है वो। ए पीटर, तू फिर से पैसे लेने आएगा ना, तभी देख लूंगा तुझे। जैसे तू नोट छापता है ना, तू नहीं देगा तो किसी और से ले लूंगा। चलो तो बेकार में लोगों के चक्कर में पड़ता है, चलो खाना खाते हैं। आओ बहन, वो मच्छी कड़ी ले आओ और सलाद भी ले आओ। जरूर खाइए ना, लीजिए। क्या जरूरत थी आपको पूरे गाँव में घूम घूम कर कर्जा लेने की? अरे आज ये लोग आए हैं, कल न जाने कौन कौन आएगा यहाँ पर, मैं अकेली रहूंगी तब ये लोग आएंगे तो। आप वो आइजैक साहब के साथ काम पे क्यों नहीं लग जाते? उसके पास? अरे वो तो इनसे भी बड़ा फ्रॉड है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। ओह, लगता है आप वहाँ से भी कर्जा लेकर आए हो, अब वहाँ से भी लोग आएंगे। मेरी किस्मत ही खराब है, इससे अच्छा किसी और गाँव जाकर काम करे, इतनी तकलीफ में यही जीना है क्या? दूसरे गाँव जाकर मेरी तरह जीना है क्या? पीटर ने क्या मर्डर किया है क्या? पैसा ही तो लिया है, वो हम देख लेंगे, समझो बात, ठीक है? और कितने टाइम मेरे पैसों पर जीने वाले? क्या क्या बोली तू? छी, सलवा तू मुझे मार्केट में छोड़ दे, मुझे नहीं खाना आप खाना। अरे खा, खाए खाना, मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना मुझे। अरे खाइए ना, मेरी बात सुनो, खाना खा के जाओ। सुनिए, बहुत बढ़िया मच्छी करी है। अरे हैं, चल भैया, बुरा मत मानिए, खाना खा कर जाइए, मैंने गलती से बोल दिया, खाना खा के जाइए। ए, कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो। अरे रघु, इतनी रात को इस वक्त अचानक? आओ अंदर आओ, अंदर आओ। कुछ नहीं तो गाड़ी निकाल जल्दी। सेल्वा, एक बोट का क्या भाव होगा रे? कितना? हाँ वो जो एसआई के पास है वैसा,
इससे क्या मतलब? हाँ वही, कितना होगा? भाव जान के तू क्या करेगा, खुद पैसा देके लेगा क्या रे? मैं ले नहीं सकता, मैं लेकर दिखाऊंगा। सर कौन है ये पता नहीं, लेकिन बोट कलकत्ता से आई है, फाइबर बोट कलकत्ता रजिस्ट्रेशन है, और इसके पहले यहाँ दिखाई नहीं है, कौन है समझ नहीं आ रहा है। हाथ में एक बैग भी था, मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो मैं चलूं सर? वो पीटर का बोट अभी भी खराब ही पड़ा है सर। हाँ मैं सिल्वा को बोलता हूँ। पीटर भाई। हाँ? आपके वहाँ से कोई दिखा नहीं मुझे। क्या करने के लिए? वो शेर को पेंट करने के लिए। ये सिल्वा है ना उसके लिए। वो फिलोमीना दीदी और सब आए क्यों नहीं वहाँ? अरे उन सब की क्या जरूरत, ये अपना साला है ना। ओ आपने सिल्वा को साला बना लिया? ओ अच्छा है, मजे करो मजे करो। तू दोपहर में मच्छी मार्केट क्यों गया मुझे पता है। बाहर गाँव से आया हूँ, बाहर का ही रहूंगा। इस गाँव में रहने की वजह तू और फिल्मोनिया है। तू ऐसे मत बोल, मुझे पता है फिलोमीना की वजह से तू इधर है, लेकिन तेरा दिल कहाँ ये मुझे अच्छे से पता है। पीटर हैं? तू देखना कल मैं प्यार अपना बताऊंगा। हाँ तू अभी पैक मार, उसके बाद में प्यार करना। रघु 15-20 साल हुए होंगे ना तुझे यहाँ से जाके। हाँ माँ तुझे देखकर कितना खुश होगी, तुझे पता है ना। क्या है? आप ये रखो, अब मैं चलता हूँ। सुन बेटा, इतने सारे पैसे तुझे कहाँ मिले? फिलहाल के लिए अपने पास रखो, मैं आके बताता हूँ। माँ के पास कुछ देर और रुक जा बेटा, बाद में चले जाना, कितने साल हो गए हैं। मुझे पता है माँ, एक काम करता हूँ, मैं कल आता हूँ, आपके साथ कुछ वक्त बिताता हूँ, अभी टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। कल तेरे पसंद की सब चीजें बना के रखती हूँ, तो आके खाना। ठीक है मैं कल आता हूँ। आप यहाँ बहुत तकलीफ में थी, दास ने बताया, अभी से आप काम पर मत जाओ, सब कुछ मैं देख लूंगा, ठीक है? इधर दे मैं पकड़ता हूँ। हे छोड़। हाँ क्या है इसमें खास है? वहाँ ब्रेड जैम सब लगा के रखा हूँ, भूख लगेगी तो खा लेना। सुन अम्मा आएगी ना तेरे साथ? आएगी मतलब, समझ ले आ चुकी है। तो जाके सो जा, हम सुबह मिलते हैं। कल दोपहर को कॉल करता हूँ, माँ को लेकर जाने के लिए मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी, कल रात को हम दुबई जाएंगे। हाँ दुबई जा रहा? हाँ कोलकाता वालों के बारे में तू जानता नहीं है, वो मुझे ढूंढ ले, उससे पहले मुझे निकलना है। नहीं ऐसे तू कब तक भागता रहेगा बोल? ये मेरी आखिरी दौड़ है। आओ राधा,
तुम खामखा हर महीने यहाँ भाड़ा लेकर क्यों आ जाती हो? मेरे आदमी है वो जाकर ले आया करेंगे। साहब, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। वो दुकान किसी और को दे दोगे तो? क्यों, क्या हुआ? मेरा बेटा रघु वापस आ गया है। रघु, वही जो 15 साल पहले भाग गया था, तुम्हारा बेटा? जी साहब, कलकत्ता में कोई बड़ी कंपनी में है। तो क्या हुआ, तुम यहाँ काम कर सकती हो ना? नहीं नहीं, कल रात उसने मुझे काम पर जाने के लिए मना किया है। रघु कब आए तुमने बताया नहीं? कल। राधा, तुम अपने लड़के को ये कहना कि मैंने उसके बारे में पूछा है। अगर मैं नहीं बोलता तो पीटर की बात तुझे पता चलती? जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, अपने इधर 150 बोट्स हैं, ये सब मुझे देखनी है। पता नहीं ये सब कैसे मेरे हाथों से मिस हो गई। मिस हो गया बेवकूफ। ए मुर्गेश, ऐसे फालतू घूमने से कुछ नहीं होगा। ये पैसे की बात नहीं है, भरोसे की बात है। समुद्र से जो मिला है उसका आधा हिस्सा मेरा है। इस बार पीटर ने धोखा दिया, कल कोई और होगा। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं सब देख लेगा। गुस्से में कोई कमी नहीं है, पर इतने से नहीं होगा। यह हमेशा ऐसा ही काम करता है, पकड़ के लाने को बोला सर ही काट दिया। अरे साहब जी, कल आपको देखना चाहिए था, उस लॉरेंस की नाक को मच्छी की तरह चपटा कर दिया था। ए रिची, इसीलिए मैंने कल रात को तुझे छोड़ा था। जिसके हाथ में चाकू हो उसे सब दुश्मन ही नजर आते हैं। तू यहाँ मेरे पास आ, आना। सिल्वा आया? हाँ जा तू। ठीक है सर। सुन रिची। सिल्वा, कैसे हो तुम? सब बढ़िया। सब मस्त है ना? अपना पीटर कहाँ पर है? रिची, अपने पिताजी को इस क्रिसमस पे यहाँ आने के लिए बोल, समझा? तू बुलाएगा या फिर मैं बोलूँ? नहीं नहीं, मैं बुलाता। कल रात को मैंने सेल के लिए उसे पेंट किया, वो रास्ते में कहीं भटक रहा होगा। अरे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं आता हूँ। नमस्ते भाई। रिची, कभी भी हमारे हाथ नहीं आने वाला जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। चीजें कैसे सिंपल करें उसे नहीं पता है, उस पर हमेशा नजर रखना। मुर्गेश, मैं तुझे एक काम देता हूँ, पर रिची को ना पता चले, मेरे पास हो तो। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, समझ गया ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ। सिल्वा, यहाँ हो। नमस्कार सर। सिल्वा, मेरी वो बोट है ना जो पीटर ने भाड़े पी ली थी, वही जो समुद्र के पास खराब पड़ी है, तूने उसे देखा वो ठीक होगी या नहीं? तुझे इसीलिए बुलाया था। देखा मैं साहब, स्टार्ट हो रहा है, इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकर गया तो आधे रास्ते में रुक जाएगा, बहुत रिस्क है साहब। ना जाने उस पीटर ने ऐसा क्या किया जो बोट खराब हो गई। कोई बात नहीं, तुम जाकर रिपेयर करो। ठीक है सर। हाँ साहब, एक छोटा सा काम है, दोपहर के बाद रिपेयर करूँ तो चलेगा? हाँ ठीक है, वैसा ही करो। चलता हूँ सर।
चल अगला बजा। शेर पीटर है ना, सारे शेर एक जैसे ही है, आदमी बदल नहीं जाना चाहिए। ए, सिगरेट दे। ये है कौन? ए, अगला बजा। ए, अगला बजा ना। किधर जा रहा है? इसाक साहब ने मुर्गेश को दास के पास आने के लिए कहा है। नहीं, वो साहब ने एक जन को पिक करने को बोला। किसको पिक करने? पिक करने के लिए कहा है। ए, तब तक क्या मैं रोड पे खड़ा हूँ? नहीं, साहब ने सिर्फ मुझे ही जाने को बोला। ए, सुना क्या, मेरे असिस्टेंट का पहला काम है, तू गए तो मैं जाऊँ? नहीं भाई, मैं जाता हूँ ना। चलना। क्या देख रहे हो, क्यों खड़े हो तुम लोग? निकलो, निकलो, निकल। तमाशा बना रखा है, बेवकूफ कह के। रिची, हाँ, वो पीटर को उठा के अपनी बोर्ड पे डाल। ओके, मैं जा के आता हूँ। ओके, जो है ना। ओके, मेरा ग्लास हाथ में रखने बोला था। निकल। हाँ, चलो। वाह मुर्गेश, फर्स्ट कोटेशन। टेंशन हो रही है? डर मत, मैं करता है, तूने किया है सबको बोल दे, समझ गया ना? अरे यार, आज सब अलग ही हो रहा है। कार धोने आया था और ये कार चला रहा है, मारना भी नहीं आता तुझे और तुझे सबने कोटेशन दे दिया। हमेशा उदास रहने वाली राधा का आज बड़ी खुश थी। सुन, क्या छुपा रहे हैं मुझसे, बता दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मुझे ही करने को बोला। ओह, इसाक साहब के साथ अब तू डायरेक्टली डीलिंग कर भाई। वो क्या है कि रघु वापस आ गया और वो अपनी माँ के साथ दुबई में सेटल होने जा रहा है। तो आइसक साहब ने बोला उसके पास एक बैग है, वो बैग लेकर उसको साथ में लाना है। Let's go!
तू पुरानी बातें मन में रख कर उसे कुछ कर देगा इस डर से साहब ने मुझे जाने को बोला था। गाड़ी बड़ा कहाँ जाना है? To meet an old friend. हेलो, रफी भाई है क्या? मैं रघु इंडिया से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आते ही इस नंबर पे कॉल करने के लिए बोलना। दास, मैं रघु। बोलना। आधे घंटे में गाड़ी भेज सकता है क्या? आधे घंटे में? ठीक है रघु, मैं भिजवाता हूँ। हाँ, एक मिनट रुकना। हाँ। अरे, मेरे आने की खबर तूने किसी को दी क्या? नहीं रे, मैंने किसी को नहीं बताया। क्या हुआ? अरे, कोई तो आया है बाहर। मेरे कहने के बाद ही गाड़ी सब छोड़ ठीक है? रखता हूँ। रघु के पास कोई गन वगैरह हो तो वो भाई क्या है ना कि तेरा पहला कोटेशन है, मैं देखता है। जा। Gentlemen, your attention please. As the Cuban kid always say, here we meet once again. तुम सोच रहे होगे ये क्यूबन किड कौन है ना? उसके पीछे एक कहानी है। दो छोटे बच्चों की कहानी। चलो मैं कहानी सुनाता है। एक है क्यूबा से और एक अपनी मदुरै से आया है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। ऑटोमेटिक पिस्टल। ठीक है, तो बताओ हम लोग कहां पर थे? हाँ, ये पकड़। ए मुर्गेश, मुर्गेश चिल। ये अपना ही आदमी है। हाँ, सो एनीवे, जैसा कि मैंने कहा, दो बच्चे थे, उनको क्या नाम दे, डैश एंड डैश डैश। हर दिन सुबह स्कूल के कैंटीन में सब खाना खाने जा रहे थे, तो टैश क्या करता है कि टैश टैश को देखते ही हंसते हुए स्पेनिश में एक कमेंट मार के चला जाता है। बेचारा डैश क्या बोल कर गया, टैश टैश को कुछ समझ ही नहीं आया। हर दिन ऐसे ही कैंटीन में चलता रहा, टैश टैश सब चुपचाप सहता ही गया। दिस कंटिन्यू। कितने साल ऐसे सह सकता पता? एक दिन टैश टैश सीधे जाकर
डैश को पकड़कर बीच से गिराकर सीधे उसके मुंह पे चार थप्पड़ मार दिए। पकड़ के डांग डांग डांग, उसकी नाक टूट गई और हड्डी बाहर आ गई। और तभी दोनों बच्चों को वार्डन के पास ले जाया गया। डैश डैश ने बोला कि डैश हमेशा मुझे अनजान भाषा में गाली देता रहता है। तभी वार्डन आकर डैश को पूछता है, तू गाली क्यों देता है बता? पर वो सुनते ही डैश ने वो गाली फिर से दे दी उसे, वो भी प्रिंसिपल के सामने। मैं कहानी सही तो बोल रहा हूँ ना बता? मैं कहानी सही बोल रहा हूँ यानी ये सुनने के लिए आया तू? अंदर जाकर बैग ढूंढना कदे। कॉन्सेंट्रेट, कहानी का मेन ट्विस्ट अब आने वाला है। वार्डन ने ट्रांसलेट को बुलाकर डैश क्या बोल रहा है पता किया। तब हर दिन डैश 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 को देखकर स्पेनिश भाषा में गुड मॉर्निंग बोल रहा है एंड हियर वी मीट वंस अगेन ऐसा बोला करता था। उनका कुछ ट्रेडिशन होता है। ये पता चलने के बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हो गए। पर यहाँ मेरा पॉइंट वो नहीं है। एक सेकंड सोच करते। डैश मार खा रहा था तो उसके मन में क्या चल रहा होगा? हंस के बात कर ली तो डैश डैश मुझे मार क्यों रहा है? हाँ, उसको पूरा कंफ्यूजन हो गया था। तेरे ही जैसे, तेरे हाथ में बैग वो कहाँ रखा है जा बता। मेरे पास नहीं है। तेरे पास ही, तूने वो नहीं दिया फिर भी मैं ले लूंगा और तुझे साथ ले जाऊंगा मैं। कुछ नहीं है बोला ना। ओके ठीक है, फिर हम ही देखते हैं। वो मिलते ही मैं तुझे मार दूंगा। बैग मिल गया, ये देखो। गुड, अभी शूटिंग टाइम। अन्ना, रिचू ने आकर पीटर के सर पे मारा और ऑटो में डाल के कहीं लेके गया। ए डेमोक्रेसी, इधर आ। क्या हुआ रे? अन्ना सीरियस मैटर, बहुत जोर से चोट लगी है। अरे कहाँ लेके गया ऑटो में? ए किधर हुआ था ये? मार्केट के पास। अन्ना तुझे मारने से पहले मैंने इतनी बड़ी कहानी क्यों बताई तू जानता है? तुझे नहीं पता? सोच के देख, सोच के देख जरा। मैं अंदर आया तभी क्या बोला था तुझे? योर अटेंशन प्लीज। और क्या बोला? और क्या बोला बता? और क्या बोला? उसके बाद क्या बोला? वी मीट वंस अगेन। वी मीट वंस अगेन। वी मीट वंस अगेन। पूरे 15 साल बाद अभी जाकर मिल रहे हैं भाई। रिची है? हाँ वही हूँ मैं, और हम ही रिची रिचर के सगाई हूँ। तू अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड से मिलने भी नहीं आया? नहीं, वो शाम को मैं मिलने के लिए आने ही वाला था। कल रात को तू अपनी माँ से जाके मिलने वाला था ऐसा सुना। सिर्फ माँ को ही दुबई लेके जा रहा है, हाँ? मुझे नहीं लेके जाएगा, हाँ? वो छोड़, बैग मिल गया ना, तू आ जा चल। नहीं, आज दोपहर को माँ के पास जाऊंगा बोला था। माँ से जाकर एक बार मिल लिया ना, अब तो दुबई लेके जा रहा है, और क्या चाहिए? नहीं भाई, मुझे जाना है। मैं तुझे वापस ड्रॉप कर दूंगा। हाँ तू तो मेरे से भी हैंडसम हो गया है आजकल। हाँ मैं ना एक काम आधा छोड़ के आया हूँ, वो जाके करते हैं। Thank you.
ए, रोक जरा। ऊपर आ जा। समंदर से जो मिले आधा हिस्सा साफ का है। हमें ही धोखा दे रहा है तू। छोड़ दे, और तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है, अब उतार दूंगा मैं। आजा। अरे तू इधर आना। शेर कैसे गरजते हैं मुझे सुनना है। अरे सुना ना। कम ऑन ऐसे। अंदर सिर्फ हवा है क्या? कम ऑन गरज। क्या ये गरज ना? शेर जैसे गुर्रा ने बोला था, बिल्ली जैसे रो रहा। गुर्रा ना क्या हुआ? हाँ रिची, रिची छोड़ दे उसे। उसकी बहन के बारे में सोच यार। सिस्टर सेंटीमेंट। बोल बोल, कहाँ है वो? हाँ मिल गया। तेरे से मैंने अपना क्यूबन केक मदुराई बॉय की कहानी बताई है। डैश एंड डैश डैश, नहीं सुनेगा? ब्रिगेश तुझे पता है ना, बताएगा तू? हाँ और तू? तुम लोगों को मुंह खोल के बोलने की आदत नहीं है, तुम दबा के भाग नहीं दिए। मुझे छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। जो भी मिलेगा वो आपका। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। शेर ये बात समझ गया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हम भी हमारे साथ एक बाघ लेकर आए हैं, समझा? वो समझ गया क्या? अब बोल देना साले तू। ए सिल्वा, तू यहाँ क्या कर रहा है? रिची आया क्या? रिची का बोट नहीं आया। वैसे तुझे क्या काम है? कुछ नहीं, सबका बोट रिपेयर करना है। हाँ ठीक है ठीक है, जा। ऐसा एक दिन जरूर आएगा, मुझे पता। पीटर हमारा साथ कभी नहीं छोड़। तुझे मारने के लिए तुझे सामने लेके आए, अब सोच क्या होगा तेरा, पता? आठ साल में 8 years जूलिन होम की जिंदगी कैसी है तू जानता है क्या? नरक है, इट्स हेल। वहां के हर एक आदमी ने मुझे, उस दिन तू वहां से भाग गया था, मेरे बारे में सोचा? मैं एक चर्च के फादर का लड़का हूं, अभी देख हाथ में बंदूक लेके खड़ा हूं। सब तेरी वजह से। मुझे माफ कर दे रिची, प्लीज मुझे माफ कर दे। तभी मैं छोटा बच्चा था, डर के मारे तेरे पापा से जो सब हुआ सब बता दूंगा। रिची प्लीज। हाँ बे, तू आएगा, तू बोलेगा, तेरे बोलते ही वो लोग वैसे ही मेरी जिंदगी वापस देंगे ना। सॉरी रिची,
तभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ तेरे पास, लेकिन तू देख ही नहीं पाया। मुझसे गलती हो गई, मेरी माँ के बारे में सोच। मेरे बिना वो इतने सालों से अकेले रह रही थी, मेरे बारे में नहीं, लेकिन मेरी माँ के बारे में तो सोच। मैं कहीं और जाके रह लूंगा, प्लीज रिची, प्लीज। तुझे ना सिर्फ भागना ही आता है। उस दिन तू भाग गया, आज भागने के लिए तू मेरे पैरों में गिर रहा है। मैं उस दिन भी रुका, आज भी मैं यही रुका। ए, सिगरेट दे रहे ले क्या? सुन, तू एक बात जानता है? हाँ? जब भी मैं किसी का मर्डर करने के लिए निकलता हूँ ना, सामने वाले के अंदर तेरा ही चेहरा नजर आता है मुझे। तभी ऐसे मेरा खून खौलने लगता है। उसको मारने वाली हर मार मैं तुझे मारता हूँ। Do you see? तू है मेरा मोटिवेशन। हाँ? मुझे देखूं तो तू मेरा शिकार है ही नहीं। तुझे मैं छोड़ देता हूं, गांव छोड़ के चला जाऊं। भाग, चल भाग। देखा, सिंपल से खत्म कर दिया ना। ये बैग पकड़, उस पीटर को अपनी जगह ले जाके बांध दो। शाम को देखते हैं, मेरे वापस आने तक ध्यान रखना। हाँ भाई, चलो चलो। उस दिन क्रिसमस के पहले मैंने उसे फिर से देखा। कितने टाइम के बाद मिल रही है? अभी यहाँ आती नहीं हो क्या? ये वही कैमरा है ना? फोटो खींचते टाइम सामने मत आओ। मेरी फोटो लो। नो थैंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओहो, जूनियर होम में तो तुम मेरे आगे पीछे फोटो निकालने के लिए घूमती रहती थी। अभी और किसी को मारने जाओगी तो बताओ, I'll get some snacks। उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, चाहिए तो अभी मार के दिखाओ। Very good। अच्छा, फोटोज ही खींचती हो क्या? प्रिंट नहीं है क्या? मैं प्रिंट नहीं करती हूँ, किसने बोला? तो मेरा फोटो कहाँ है? कितनी बार कहा है, मेरे पास ऐसी कोई फोटो नहीं है। एक लड़की, एक लड़के का फोटो अपने पास रखे, इसका क्या मतलब है? क्या है, यही कि तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला, तूने ही बोला है। रिची! Nonsense। हाँ? टाइम हो गया है। तू घर आएगा कहा था ना, यहाँ पर क्या कर रहा है? पैसा रहेगा सोचा था, लेकिन बैग खोल कर देखा तो खजाने जैसा कुछ था। सोचा था वो लेके दुबई चले जाएंगे, लेकिन वो रिची सब कुछ ले गया। छोड़ूंगा नहीं, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। वो मुझे जानता नहीं है ना, सबकी जड़ तुम ही हो। मैं आ गया, ऐसा पूरा गांव को बता दिया। कुछ मुझसे तो पूछ सकती थी ना। मैंने क्या किया है? मेरे सामने से जाओ, जाओ, जल्दी जाओ। तुझे, तुझे ये हुआ क्या है? जाओ। मेरी बात सुन, तू सुन ना बेटा। चुपचाप घर पे जाकर सामान पैक करो, कहाँ आना मैं फोन करके बताता हूँ। नहीं चाहिए, अगर तू मेरे लिए ये सब कर रहा है तो नहीं चाहिए मुझे, बस कर।
जितने हमारे पास पैसे हैं उसी में जी लेंगे हम। मेरी बात सुन ले बेटा। मैंने जैसा बोला वैसा तो रघु सुनिए, मेरे भाई को देखा है क्या? नहीं बेटी। आपने देखा ना जी? नहीं बेटी, मैंने नहीं देखा। वो क्या बोल रहे हैं? ये ना मार्केट में देखा? वहां पर भी नहीं है बेचारी दीदी। तू दूसरी जगह जाके देख। ये गांव से निकल जाते हैं कहा था, तब कह रहे थे मैं सब संभाल लूंगा, सिर्फ बोलते ही हैं। तू चल। मैंने कहा था रात को बाहर मत जाओ। तुम यहाँ कब से खड़े हो? क्या बात है रिजी, तुमने फिर से कोई गड़बड़ की क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसाक साहब ने रात को घर पर खाने पर बुलाया। मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं होगा? आज रात को आईजी साहब के घर के सामने से जा रहे हैं ना, तो आ सकते हैं ना। कैरोल हर जगह जाता है, मदर सबको आशीर्वाद देती हैं, स्पेशली मैं कभी किसी के यहाँ नहीं जाता। भगवान का फेवरेट कोई नहीं होता। ओ, तो वो आपका फेवरेट नहीं है? तो अच्छा, मेरे फादर का भी कुछ ऐसा ही। मुझे ब्लेस कभी नहीं करते, पूरे गांव को करते रहते। एडवांस हैप्पी बर्थडे विशेस, टाइम हो तो आ जाना। किसी को मारने से पहले क्यों मार रहा है ये मैंने कभी नहीं पूछा। तू अगर किसी को छोड़ भी देता है तो उसको क्यों छोड़ रहा है ये भी नहीं पूछता हूँ। इतने साल हो गए तेरे साथ घूमते हुए एक साय की तरह, लेकिन फिर भी मैं तुझको समझ नहीं पाया। ए, देख के जरा। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे क्या कर रही हो? काम का क्या हुआ? अबे मूंछ क्यों घुमा रहा है? अरे बस ऐसे ही। वो राधा काकी कितनी भोली है, वो रघु ने उनको न जाने कितने दुख दिए हैं। ए ऋषि, तू अपने मन से सारी बातें निकाल दे। ए सुधी, तुझे मैंने यहाँ रुकने के लिए कहा था ना, दरवाजा भी ठीक से नहीं लगा। मैं खुद लॉक करके गया था। कहाँ है फिर वो? तेरी तो भाई वो बैग कहाँ रखा है? माले पर रखा है। ये दरवाजा कैसे? हे रिची, वो बैग वहाँ नहीं है। भैया रुक जाओ। मिस्टर मुर्गेश, प्लीज पास में दे गाड़ी की चाबी। भैया तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। रघु उस तरफ नहीं, मेरे पीछे पीछे आना। Thank you.
रेंज में। चल चलते चल ना। ऋषि, रघु भाई क्या सोच रहे होंगे पता नहीं, कैलकटा के बड़े माफिया गैंग से भी बच निकला, लेकिन फिर भी इन छोटे लोगों के सामने फंस कैसे गया, यही सोच रहा होगा। ऋषि, वो बैग के बिना मैं दुबई नहीं जा पाऊंगा, समझ बात को। तुझे बैग मिल भी जाएगा तो अभी तू दुबई नहीं जा पाएगा, किधर जाने का है वो मैं तय करेगा, समझ में आया? रिची, प्लीज। मुरुगेश, हाँ? तुझे कोई जान वापस देकर भाग जाने को कहे तो तू क्या करेगा? पैरों में गिरकर भगवान का शुक्रिया बोलकर वहां से भाग जाऊंगा। सी, तू समझ गया लेकिन अपना भाई ये बात समझ नहीं पा रहा है। तू उस वक्त तू मुझे पास चाहिए था, तब तू भाग गया, अब तुझे भागने बोल रहा हूं तो भागने की बजाय मेरे पास बैठा है। उसको मारने का ऋचि ने सोचा भी नहीं था, वो रघु से नफरत करता है और बहुत ज्यादा करता है। हाँ, जो भी हो बचपन के दोस्त दोनों, सब गुस्सा नफरत छोड़ के सारी बातें एक तरफ, वो बैग के साथ उसको उसकी माँ के पास छोड़ देता ये सोचा था। लेकिन उसके बीच वो रघु किसी को सुधार ही नहीं सकते। आजा ना रघु, आजा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन को तू देखेगा ना? ए सुधी, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई, मुझे साग साहब क्या छोड़ दोगे? अच्छा ठीक है आजा। Thank you.
क्यूबेन किड और मदुराई के लड़के की कहानी सुनाई थी ना, डैश एंड डैश डैश है? एक बार सोच के देख, डैश मार खा रहा था, उसके मन में क्या चल रहा होगा? हंस के बात करने पर डैश डैश ने मुझे क्यों मारा, यही होगा ना है? वो पूरा कंफ्यूज हो गया होगा ना। प्रभु से माफ करना। है